यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि कंपाइलर के जो फेजेस होते हैं, ठीक है, कंपाइलर के जो फेजेस होते हैं उसमें हमने देखा था कि सबसे पहला फेज हमारा क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको टोकन्स में ब्रेक करना, फिर उससे एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाना और फिर उसको पार्स करना, जिसमें कि सेमेंटिक एक्शंस ऐड हो जाते हैं। अब जब हमारा यहाँ पर एनालिसिस फेज खत्म हो जाता है, यहाँ के ये जो तीन फेज जो अभी तक हमने पढ़ा था वो एनालिसिस फेज होता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी हमने किया यहाँ पर, हमने पूरी हमारी जो लैंग्वेज है उसको हमने एनालाइज कर लिया है, वो सिंटेक्टिकली करेक्ट है कि नहीं, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन फेच करनी है, वो सब हमने कर लिया है। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट ये है कि यहां से जो हमें लैंग्वेज मिली है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। क्या टारगेट है हमारा कि अब जो हमें पार्स ट्री मिल गई है, ठीक है, उसको हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको कोड को समझ के काम कर सके, जो हम उससे काम करवाना चाह रहे हैं वो काम वो कर सके, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, लेकिन इसके लिए डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। पहले हमें उसका इंटरमीडिएट कोड बनाना पड़ेगा, फिर उस कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके बाद हम उसको टारगेट मशीन के लिए कन्वर्ट करेंगे। ये तीन फेजेस से हमें होकर गुजरना होगा, मेनली ये दो फेज आप मान लो, इन दो फेज से होकर गुजरना होगा तो हमारा टारगेट कोड जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये दो फेज क्यों जरूरी है? इंटरमीडिएट कोड की हमें क्या जरूरत है और कोड को ऑप्टिमाइज करने की क्या जरूरत है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। तो कारण यह है कि आपको पता है कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो कई सारी मशीन्स होती हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग कंप्यूटर्स बनाती है। एक कंपनी ने एक M1 नाम का कंप्यूटर बनाया, दूसरे ने M2 नाम की मशीन बनाई, तीसरे ने M3 नाम की मशीन बनाई। सारी मशीन्स के हार्डवेयर्स अलग अलग हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका मशीन कोड भी अलग अलग होगा। मतलब कि अगर मैं एक ही चीज को अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग कोड जनरेट करना पड़ेगा। ये अभी प्रॉब्लम है। ये बात क्लियर हुई? तो अब हमारा टारगेट क्या होगा? अगर मान लो कि अगर मैं डायरेक्ट टारगेट कोड जनरेट करने की कोशिश अगर मैं करता हूं, अगर मैं इंटरमीडिएट कोड नहीं जनरेट करता हूं, मैं बस जो मेरा पार्स ट्री आया है उसको मैं डायरेक्ट अगर टारगेट कोड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे हर एक मशीन के लिए अलग अलग कंपाइलर चाहिएगा। इस मशीन को कन्वर्ट करने के लिए, यहां से इस पहली मशीन के कन्वर्ट करने के लिए मुझे अलग कंपाइलर चाहिएगा, दूसरी मशीन के लिए कन्वर्ट करने के लिए दूसरा कंपाइलर चाहिएगा, तीसरी मशीन के लिए कन्वर्ट करने के लिए तीसरा कंपाइलर चाहिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक काम है, मतलब कि हर लैंग्वेज के लिए हर मशीन के लिए मुझे अलग कंपाइलर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई नई मशीन अगर मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसके लिए एक नया कंपाइलर बनाना पड़ेगा और जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उसको उस कंपाइलर से पास करना पड़ेगा ताकि वो उस मशीन में चल सके। तो अब आप सोचो कि कितना हेक्टिक काम हो जाएगा कि अगर मान लो कि आपके कंप्यूटर में 100 सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, ठीक है, आपको अपने कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है? 100 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अब पहले तो आपको इस मशीन के लिए एक नया कंपाइलर लेकर आना पड़ेगा, ये सारे जो 100 सॉफ्टवेयर है उसको इस कंपाइलर से निकालना पड़ेगा और फिर आपकी वो मशीन में चल पाएगा। कितना हेक्टिक काम हो जाएगा। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इससे अच्छा तरीका ऐसा हो सकता है कि हम एक ऐसा कोड बना के छोड़ दे जो सारी मशीन उसको समझ सके, एक स्पेसिफिक टाइप का कोड हम बना दे जो सारी मशीन समझ सके। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ना सारी मशीन इस कोड को समझ लेगी, लेकिन जब भी वो मशीन बनेगी तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझने के लिए वो अपने लिए खुद का ट्रांसलेटर बना लेगी, ठीक है ना। अब बात समझो, जैसे कि मान लो कि अगर मैंने कोड लिखा सी लैंग्वेज में, फिर मैंने लिखा सी प्लस प्लस में, फिर मैंने मान लो कि किसी और लैंग्वेज में लिखा। अब अगर कोई कंपनी मशीन अगर बनाती है, ठीक है, जिस समय उसने कंपनी ने मशीन बनाई उस समय हो सकता है कि सिर्फ सी लैंग्वेज मार्केट में थी, सी प्लस प्लस जो है वो मार्केट में नहीं थी। तो उसने अगर कंपाइलर बनाया, मान लो कि उसने ट्रांसलेटर बना भी दिया सी लैंग्वेज के लिए जो कि सी लैंग्वेज का कोड समझ सकता है,
तो वो सी प्लस प्लस के कोड के लिए चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस तब मार्केट में नहीं आई थी जब ये मशीन बन रही थी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हम उसको ऐसे लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर दें जो लैंग्वेज बहुत पहले से आ चुकी थी, जैसे कि मान लो कि हमने उसको असेंबली लैंग्वेज में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, तो असेंबली लैंग्वेज जब आई थी उस समय तो सारी मशीन, मतलब कि उसके बाद ही सारी मशीन आई है, मतलब कि ऐसी कोई मशीन नहीं होगी जो असेंबली लैंग्वेज को ना समझती हो, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है। अब अगर मेरे पास कोई भी नई लैंग्वेज अगर आती है तो पहले मैं उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज को तो हमारा कोई सा भी मशीन समझ सकती है, क्यों? क्योंकि जितनी भी मशीन्स बनी है उसने असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर अपने पास रखा हुआ है। तो अब अगर कोई नई हमारे पास लैंग्वेज आ भी जाती है तो हम उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब भले ही हमारी मशीन जो है वो नई लैंग्वेज को नहीं पहचानती है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को तो पहचानती है ना, तो वो सबके लिए वर्क कर जाएगा। तो इसलिए हमें एक ऐसे कोड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो सारी मशीन समझ सके, और इसी कोड को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कोड। तो ये इंपॉर्टेंस है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने का, और फिर उसको ऑप्टिमाइज इसलिए करेंगे ताकि हमारा टाइम कम लगे। कोड को अगर हम मशीन में चला रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम टाइम में वो चल जाए, इसलिए फिर हम उस कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे और फिर हमारी रिक्वायर्ड मशीन के लिए हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इसलिए हमारा टारगेट कोड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जितना भी हमने पढ़ा है उसमें हमने हमारी लैंग्वेज को एनालाइज करके हमने पार्स ट्री बनाकर रख लिया है, जिसमें कि सेमेंटिक एक्शंस भी है कि हमें क्या काम करना है, ठीक है। तो एक बार हम डेफिनेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट कोड क्या होता है और इसकी जरूरत क्या है। इन द एनालिसिस सिंथेसिस इज द मॉडल ऑफ कंपाइलर, द फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर ट्रांसलेट अ सोर्स प्रोग्राम इनटू एन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड। अब ये जो सिनेरियो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो फ्रंट एंड कहलाता है, और उसके बाद का जो काम है वो बैक एंड कहलाता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड क्या करेगा, जो भी हमने कोड एनालाइज किया है उसको वो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट कर देगा जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होगा। देन द बैक एंड ऑफ द कंपाइलर यूजेस दिस इंटरमीडिएट कोड टू जनरेट द टारगेट कोड। फिर आपका जो कंपाइलर का बैक एंड होगा वो इस इंटरमीडिएट कोड को लेगा और उससे टारगेट कोड जनरेट करेगा। मतलब कि अभी आपका जो सोर्स कोड है, ठीक है, अभी आपका जो सोर्स कोड है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इंटरमीडिएट कोड में, और अब ये इंटरमीडिएट कोड कन्वर्ट होगा हमारे मशीन कोड में, जिसको कि हम बोलेंगे टारगेट कोड, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। तो अब हमारे पास जो सोर्स कोड है हमें उसको कन्वर्ट करना है इंटरमीडिएट कोड में, जो कि सारी मशीन समझ सकती है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द मशीन। उसको हमें टारगेट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टारगेट कोड जो है उसको मशीन समझ सकती है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें ये टारगेट कोड बनाना है, इंटरमीडिएट कोड बनाना है, इसकी जरूरत क्या है। The benefit of using machine independent intermediate code are, because of the machine independent intermediate code, portability will be enhanced. Portability enhance हो जाएगी, जैसे कि for example, if the compiler translate the source language into the target machine language without having the option of generating intermediate code, then for new machine, a full native program is compiler is required. जो मैंने बात कही कि अगर हमने intermediate code नहीं generate किया, अगर हमने हमारे सोर्स कोड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया किस में, टारगेट कोड में, हमने बीच में उसको इंटरमीडिएट कोड में अगर कन्वर्ट नहीं किया, तो ये सिर्फ एक ही मशीन पे चल पाएगा जिसके लिए हमने इसको कन्वर्ट किया। अगर मुझे इस टारगेट कोड को दूसरी मशीन पे अगर चलाना है तो मुझे फिर से एक नया कंपाइलर चाहिएगा, और उस नए कंपाइलर की मदद से मैं फिर से टारगेट कोड जनरेट करना पड़ेगा मुझे, ताकि वो दूसरी मशीन में चल पाए। तो हर बार मुझे नया कंपाइलर चाहिएगा, और कंपाइलर बनाना कितना मुश्किल काम है आप समझ सकते हो। दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है किसी दूसरी मशीन के लिए, तो पहले उसके लिए कंपाइलर बनाओ। अब दो नंबर का ऐड करने का प्रोग्राम बनाना 2 मिनट का काम है, लेकिन कंपाइलर बनाना 2 मिनट का काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कि हर लैंग्वेज हर मशीन के लिए आप नया कंपाइलर बनाओ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इंटरमीडिएट कोड बनाना पड़ता है, ताकि ऐसा कोड जो सारी मशीन समझ सके, मतलब ऐसी लैंग्वेज में हमें उसे कन्वर्ट करना है जो लैंग्वेज सारी मशीन्स जानती हो, ठीक है।
बिकॉज ऑब्वियसली देयर वर सम मॉडिफिकेशन इनटू इन द कंपाइलर इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मशीन स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हर कंपाइलर के कोड में हमें अलग अलग मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि हर मशीन का स्पेसिफिकेशन अलग होता है। तो अगर मशीन का स्पेसिफिकेशन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग कंपाइलर का भी कोड चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमें अलग अलग कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? इफ वी जनरेट द मशीन कोड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स कोड, मान लो कि अगर हमने मशीन कोड कन्वर्ट कर लिया, मतलब टारगेट कोड जनरेट करा सोर्स कोड से डायरेक्ट बिना इंटरमीडिएट कोड जनरेट करे, अगर हमने ऐसा किया, फॉर एन टारगेट मशीन वी विल हैव एन ऑप्टिमाइजर। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो अगर मुझे कोड को ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा तो मुझे हर लैंग्वेज, हर मशीन के लिए अलग अलग ऑप्टिमाइजर चाहिएगा, कोड ऑप्टिमाइजर चाहिएगा। तो अगर मेरे पास अगर एन मशीन्स हैं तो उसके लिए मुझे एन कोड ऑप्टिमाइजर चाहिएगा ताकि मैं एन कोड जनरेट कर सकूं। बट इफ वी विल हैव द मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड, लेकिन अगर हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लिया जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है, जिसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी मशीन में हम उसको चला रहे हैं, तो मेरा एक ही ऑप्टिमाइजर जो है वो काम कर जाएगा, मुझे हर मशीन के लिए अलग अलग ऑप्टिमाइजर बनाने की जरूरत नहीं है। जावा बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। जावा जो होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट काम करता है, लेकिन अब यहाँ पर इंटरमीडिएट कोड कई तरीके से जनरेट किया जाता है। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, लैंग्वेज स्पेसिफिक भी हो सकता है या फिर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। लैंग्वेज स्पेसिफिक मतलब कि हर एक लैंग्वेज बनाने वाली कंपनी जो है वो अपना खुद का तरीका निकाल दे इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने का, वो कहलाएगा मशीन लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड जनरेशन। ठीक है, जैसे कि जावा। जावा क्या करता है? जावा अपने कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। वो किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। और हर एक मशीन के लिए वो क्या बनाता है? JVM बनाता है। तो जब भी आपको किसी मशीन में अगर आपको जावा का कोड अगर चलाना है तो पहले आपको उसमें JVM इंस्टॉल करना पड़ेगा, और JVM जो है वो कैपेबल होता है बाइट कोड को समझने के लिए। तो बाइट कोड आपका सेम रहेगा सारी मशीन के लिए, और अलग अलग मशीन में आपका JVM अलग अलग इंस्टॉल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका अलग अलग JVM होगा, लेकिन बाइट कोड सबका सेम होगा। तो बाइट कोड किस में होता है? जावा में होता है, लेकिन सी और C++ में बाइट कोड नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बाइट कोड है ये लैंग्वेज के स्पेसिफिक है। ये जावा अपना बाइट कोड अलग बनाएगी, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज होगी तो वो अपना हो सकता है कोई दूसरा इंटरमीडिएट कोड बनाए। तो यहां पर इंटरमीडिएट कोड बनाने के दो तरीके हैं, या तो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो सकता है या फिर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो सकता है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब थ्री एड्रेस कोड। ऐसे कई सारे कोड्स हैं, जो सबसे फेमस है वो है थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको, वही हमें आज के वीडियो में पढ़ना है, आज के लेक्चर में हमें वही पढ़ना है। तो थ्री एड्रेस कोड क्या होता है? ऐसा कोड जो सारी मशीन समझ सकती है उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। तो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सी हो चाहे C++ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो अपने को आपको किस में कन्वर्ट कर देगी? थ्री एड्रेस कोड में अपने आपको कन्वर्ट कर देगी, और थ्री एड्रेस कोड सारी मशीन समझ सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट हम क्यों कर रहे हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्लियर है ये? ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि थ्री एड्रेस कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के क्या क्या तरीके हैं। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। एक कहलाता है पोस्टफिक्स नोटेशन, एक होता है थ्री एड्रेस कोड, सिंटेक्स ट्री, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और ऐसे कई सारे और भी तरीके हो सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है थ्री एड्रेस कोड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो थ्री एड्रेस कोड है, फिर भी मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है कि ए असाइंस, या फिर ए असाइंस ना लेके कुछ ऐसा लिख दो कि एक्स में हम असाइन करना चाह रहे हैं ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी। ठीक है, ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, एक्स में मैं असाइन करना चाह रहा हूँ ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी। तो पहला तरीका होता है पोस्टफिक्स नोटेशन। पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि हमें ये
ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मान लो मुझे ए प्लस बी अगर करना है तो ए प्लस बी को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, ये इनफिक्स नोटेशन कहलाता है। ये ए और बी जो है ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाते, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो बीच में प्लस लगा है ये ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो अगर ऑपरेटर बीच में लगा होता है तो हम इसको बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन, अगर ऑपरेटर स्टार्टिंग में लगा है तो हम उसको बोलते हैं प्रीफिक्स नोटेशन, और अगर ऑपरेटर आखिरी में लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन, ठीक है। तो ये वाला जो नोटेशन है ए प्लस बी ये कहलाता है इनफिक्स नोटेशन, और अगर मुझे इसको पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो ए और बी को हम पहले लिखेंगे और प्लस को हम बाद में लगा देंगे, तो ये कहलाएगा पोस्टफिक्स नोटेशन। तो जो ऑपरेटर है अगर वो बीच में लगा होता है तो वो कहलाता है इनफिक्स नोटेशन, और अगर ऑपरेटर आखिरी में लगा है तो वो कहलाता है पोस्टफिक्स नोटेशन। तो अगर मुझे इसको पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो पहले हम ए बी को पहले लिखेंगे और प्लस को बाद में लिखेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सी से। तो इसका मतलब कि यहाँ पर पहली वैल्यू हो गई मेरी ये वाली और दूसरी वैल्यू हो गई ये वाली, तो इन दोनों को पहले मैं एक साथ लिख दूंगा ए प्लस बी और सी, और ऑपरेटर कौन सा है मल्टीप्लीकेशन उसको मैं आखिरी में लिख दूंगा, और ये जो रिजल्ट आएगा इसको हम असाइन कर देंगे एक्स में। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी स्टार सी, और अगर मुझे उसको पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी प्लस सी स्टार, ठीक है। थ्री एड्रेस कोड को मैं लास्ट में बताता हूं। दूसरा तरीका हो सकता है सिंटेक्स ट्री। सिंटेक्स ट्री में हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो ऑपरेटर पहले परफॉर्म करना है उसको हम रूट नोड बना देंगे। जैसे कि मान लो कि मुझे जो सबसे आखिरी में परफॉर्म करना है उसको मैं जो रूट नोड बना लूंगा, तो जैसे कि मान लो कि मुझे प्लस जो है वो सबसे आखिरी में करना है तो मैं यहाँ पर प्लस को रूट नोड बना दूंगा, और मुझे ए और बी इंटू सी का रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर स्टार ले लूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी और सी। ये बिल्कुल आपका जो प्रोडक्शन ट्री, जो पार्स ट्री आप बनाते हो ना, बिल्कुल पार्स ट्री की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली किन को यूज करते हैं? आपके जो आइडेंटिटी जो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स और ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। यहाँ पर हम नॉन टर्मिनल्स को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे कहीं पर भी नॉन टर्मिनल नहीं है, तो हमारा सबसे पहले बी इंटू सही होगा, बी मल्टीप्लीकेशन सी करने पर जो वैल्यू आएगी वो फिर ए के साथ प्लस होगी और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं? सिंटेक्स ट्री बना सकते हैं। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ क्या होता है? ग्राफ ग्राफ मतलब कि जहां पर हमारी साइकिल एग्जिस्ट कर सकती है, तो आप इसको भी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बोल सकते हो। लेकिन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को समझने का एक तरीका और अच्छा ये है कि यहाँ पर हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। जैसे कि मान लो मुझे बी मल्टीप्लीकेशन सी और बी मल्टीप्लीकेशन सी, ये दो वैल्यूज हैं और इनको मुझे करना है प्लस, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ट्री बनाता, अगर मैं इसकी ट्री बनाता तो कैसे बनती? अगर मैं इसकी ट्री बनाता तो ऐसे बनती कि मुझे प्लस करना है, ठीक है। प्लस किस किस को करना है? बी मल्टीप्लीकेशन सी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको मुझे प्लस करना है बी मल्टीप्लीकेशन सी की वैल्यू से। तो यहां पर मेरे पास बी मल्टीप्लीकेशन मैंने दो बार सॉल्व किया, यहां पर भी मैंने बी मल्टीप्लीकेशन सी सॉल्व किया, यहां पर भी मैंने बी मल्टीप्लीकेशन सी सॉल्व किया और उन दोनों को प्लस कर दिया, लेकिन यहां पर मेरा काम जो है वो दो बार हो रहा है। तो लेकिन ट्री बनाना है तो ट्री तो ऐसे ही बन सकता है, ट्री तो और तरीके से बन नहीं सकता। अगर मुझे डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो बहुत आसानी से कर सकता हूं। मैं बोल दूंगा कि मुझे प्लस करना है किसको? दो चीजों को। किस किस को? बी मल्टीप्लीकेशन सी करने पर जो वैल्यू आती है, ठीक है, मैं इसको ऐसा बोल दूंगा, मैं इसको ऐसा बोल दूंगा कि बी मल्टीप्लीकेशन सी करने पर जो वैल्यू आती है वो लेफ्ट साइड में भी असाइन हो जाए और राइट साइड में भी असाइन हो जाए। मतलब मैंने बी मल्टीप्लीकेशन सी एक ही बार लिखा, मैंने बी मल्टीप्लीकेशन सी एक ही बार लिखा, उसको लेफ्ट साइड में भी ले लिया, राइट साइड में भी ले लिया और उन दोनों को प्लस कर दिया। अब यहां पर देखो आप साइकिल बन रही है, ट्री में कभी भी साइकिल नहीं बनती है, तो ये कहलाता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। और अब बात आती है थ्री एड्रेस कोड की। थ्री एड्रेस कोड क्या होता है? जिसमें कि तीन से ज्यादा एड्रेस नहीं हो सकते, या तो जीरो एड्रेस होगा, या तो वन एड्रेस होगा, या तो टू एड्रेस होगा, या तो थ्री एड्रेस होगा। थ्री एड्रेस से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, थ्री एड्रेस कोड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपको नहीं भी कुछ समझ में आया है
तो कोई बात नहीं, जो समझने का पॉइंट है वो ये है कि थ्री एड्रेस कोड क्या होता है। जैसे कि मान लो कि मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी, तो यहां पर मेरे पास फोर एड्रेसेस है। एक एड्रेस हो गया हमारे पास एक्स वेरिएबल का, दूसरा एड्रेस हो गया हमारे पास ए का, तीसरा एड्रेस हो गया बी का, और चौथा एड्रेस हो गया सी का। तो हमें इस कोड को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि तीन से ज्यादा एड्रेस इस्तेमाल ना हो, तीन से ज्यादा एड्रेस इस्तेमाल ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि पहले ए प्लस बी करो और उसको एक टेम्पररी लोकेशन में स्टोर कर दो टी वन में। तो यहां पर देखो हमारे पास तीन एड्रेस है, एक है टी वन, एक है ए और एक है बी, तीन एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ गई है ए प्लस बी की, इसको हमने टी वन में रख दिया। अब इस टी वन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो सी से, तो हम बोल देंगे कि टी वन की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो सी से, और इसको किसी दूसरे टेम्पररी लोकेशन में स्टोर कर देते हैं, लेट्स से टी टू में। और फिर जो फाइनल रिजल्ट आया है टी टू, उसको हम स्टोर कर देते हैं किसमें, एक्स में। तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास थ्री एड्रेस है, यहां पर भी हमारे पास थ्री एड्रेस है, और यहां पर हमारे पास टू एड्रेस है। तो ज्यादा से ज्यादा थ्री एड्रेस हो सकता है और कम से कम जीरो वन टू एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम इसको दो लाइन में भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल। अब ये हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया, फिर कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, कोड ऑप्टिमाइजर इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि एक काम करो, इसको ऐसा लिख दो कि टी वन में आप असाइन कर दो ए प्लस बी, और फिर x के अंदर आप असाइन कर दो क्या, t1 मल्टीप्लीकेशन c। तो आपने इस कोड को क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। तो ये आपका हो गया इंटरमीडिएट कोड, ये आपका इंटरमीडिएट कोड बन गया, और फिर कोड ऑप्टिमाइजर करने के बाद ये ऑप्टिमाइज्ड कोड आपका आ गया। इस तरीके से हमारा कंपाइलर जो है वो काम करता है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इंटरमीडिएट कोड जो होता है, ये जो हम लिखते हैं थ्री एड्रेस कोड, थ्री एड्रेस कोड किस किस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो बिल्कुल सिंपल आएगा, आपको इंटरमीडिएट कोड लिखा हुआ देंगे और आपको ये बोला जाएगा कि बताओ यहां पर क्या आना चाहिए था, मतलब कि यहां पर कौन सा वेरिएबल आना चाहिए था, कौन सा लोकेशन आना चाहिए था। इस तरीके से आपको लॉजिक दिया जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड अगर आपको जनरेट करना है थ्री एड्रेस कोड में, है ना, तो अगर आपको थ्री एड्रेस कोड अगर जनरेट करना है तो ये सात तरीके होते हैं, इन सात में से ही किसी एक तरीके में आपका फाइनल कन्वर्जन होने वाला है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोड, दीज स्टेटमेंट्स कम अंडर द फॉलोइंग सेवन कैटेगरीज एंड कैन बी कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द थ्री एड्रेस कोड। आपका जो थ्री एड्रेस कोड होता है उसको जनरेट करने के लिए ये सात तरीके हैं, इन सात तरीके में से ही किसी एक तरीके से आपका कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपने बड़े से बड़ा प्रोग्राम लिखा, मान लो कि आपने लिखा मेन फंक्शन और उसके बाद में आपने वेरिएबल्स बनाए इंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फिर हो सकता है कि वहां पर आपने फॉर लूप लगाया है, वाइल लूप लगाया है, ठीक है, कुछ प्रिंट एफ स्कैन एफ लिखा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है। ये सारा जितना भी प्रोग्राम है इसको आपको कन्वर्ट करना है थ्री एड्रेस कोड में, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, थ्री एड्रेस कोड में। तो जब आप इसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करोगे तो ये जो सात तरीके दिए हुए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, इन सात तरीकों में से ही ये पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा। कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा, इन सात तरीकों को ही इस्तेमाल कर कर आपका कोड कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम जो है, जिसमें हमारा फॉर लूप भी है, वाइल लूप भी है, स्विच केस भी हो सकता है, ये सब कुछ कैसे कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ इनको इस्तेमाल करके, तो वो आपको मैं अभी हाल बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले ये सात स्टेटमेंट समझ लेते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे कि किसी भी कोड को आप थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दीज सेवन स्टेटमेंट्स। इन सात स्टेटमेंट्स में से कोई सा भी स्टेटमेंट, इन सात स्टेटमेंट्स को ही इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम को आप थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर है? हेलो नीरज, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, x असाइंस x ऑपरेंड z। अब ये बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब कि यहां पर ऑपरेंड, ये जो ओपी लिखा है ना,
ऑपरेंड की जगह पर कुछ भी हो सकता है, आपका प्लस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिविजन हो सकता है, मॉड्यूलो हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो थ्री एड्रेसेस हैं, एक्स वाई जेड तीन एड्रेस हैं और ये बाइनरी ऑपरेशन हैं। क्यों बाइनरी ऑपरेशन है? क्योंकि वाई और जेड की वैल्यू पर एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसको हम एक्स में साइन कर देंगे। ये कहलाता है पहले टाइप का थ्री एड्रेस कोड। ठीक है, दूसरे टाइप का थ्री एड्रेस कोड क्या होगा कि यहां पर आपने x इक्वल टू ऑपरेशन z लिखा है, ये यूनरी ऑपरेशन कहलाता है। जैसे कि मान लो कि मैं कहना चाह रहा हूं कि y की वैल्यू को नेगेटिव करके असाइन कर दो x में, तो ये क्या हो गया, ये यूनरी ऑपरेटर हो गया, तो ये कहलाता है यूनरी ऑपरेशन। यहां पर हमारे पास टू एड्रेसेस को यूज कर रहे हैं हम, x और z दो एड्रेस को यूज कर रहे हैं। थ्री एड्रेस मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा तीन एड्रेस हो सकते हैं, हो सकता है दो एड्रेस हो सकता है एक ही एड्रेस हो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि y की वैल्यू को नेगेट करके हम x में असाइन कर रहे हैं, जो कि यूनरी ऑपरेशन कहलाता है। ये दूसरे तरीके का थ्री एड्रेस कोड होता है। ठीक है, यहां पर हम असाइन कर रहे हैं x की वैल्यू को असाइन y की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं x में, तो ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये तीसरे तरीके का हमारा थ्री एड्रेस कोड हो गया। कंडीशनल गो टू, कंडीशनल गो टू मतलब कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसी लेबल पर जंप करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अब यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है x ग्रेटर देन y, यहां पर आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हो। तो आपने लिखा इफ x ग्रेटर देन y, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपने लिखा गो टू l, इसका मतलब ये हो गया ये l जो है वो लेबल है। अब ये लेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेबल का नाम a b c d x y z जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहां पे जंप कर जाएगा, उस जगह पर जंप कर जाएगा जहां पर लेबल लगा होगा L। तो अगर मान लो कि हमने यहां पर कोई लाइन का कोड लिखा हुआ है और फिर हमने लेबल लगाया है L और उसके बाद यहां पर कोई कोड लिखा है, तो अगर हमारी ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है वो हम डिसाइड करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कंट्रोल डायरेक्टली ये जहां पर जंप कर जाएगा ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसलिए इसको हम बोलते हैं कंडीशनल गो टू। तो ये चौथे तरीके का थ्री एड्रेस कोड होता है। और अगर आपने डायरेक्ट गो टू लिख दिया बिना किसी कंडीशन के, ये भी काम करता है, इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल गो टू। ये फिफ्थ तरीके का थ्री एड्रेस कोड होता है। ठीक है, अगर आपको एरे को एक्सेस करना है कि एरे कोई एक वैल्यू है उसको एरे में असाइन करना है वन डायमेंशन एरे में, या फिर वन डायमेंशन एरे की वैल्यू को किसी में असाइन करना है, तो इस तरीके से आप एरे इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। ये सिक्स्थ तरीके का थ्री एड्रेस कोड होता है। अब आप बोलोगे सर अगर मल्टी डायमेंशन एरे हुआ तो, मल्टी डायमेंशन एरे को भी हम वन डायमेंशन एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसको कि मैंने ऑलरेडी जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया है तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से हम टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में किसी भी लोकेशन का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से वो एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा और डायरेक्टली इसमें असाइन हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल ए लिखा है ये बेस एड्रेस को बताता है और ये जो आई है वो बताता है कि आपको उस बेस एड्रेस से कितना आगे जाना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑफसेट और इसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। इसको हम आगे का भी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आखिरी तरीके का जो हमारा असाइनमेंट होता है थ्री एड्रेस कोड का, वो होता है पॉइंटर्स के लिए कि अगर मुझे किसी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो किसी पॉइंटर में असाइन करना है, या किसी पॉइंटर की जो वैल्यू है वो मुझे किसी वेरिएबल में असाइन करनी है, या किसी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मुझे किसी पॉइंटर में असाइन करनी है, तो पॉइंटर के ऊपर जो ऑपरेशन होता है उसके लिए सेवंथ तरीके का थ्री एड्रेस कोड होता है। तो आपका कोई भी प्रोग्राम होगा वो इन सात में से किसी एक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। इस वीडियो को आपको दो बार देखना पड़ेगा अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो जैसे कि मान लो कि आपको कभी लिखा हुआ दिख जाए व्हाइल लूप। अब आपको लगेगा कि सर ये व्हाइल लूप जो लिखा हुआ है इसको मैं थ्री एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मतलब कि आपने लिखा हुआ है व्हाइल और यहां पर आपने कंडीशन लिखी है कि अगर आई की वैल्यू लेस देन है 5 से, अगर आई की वैल्यू लेस देन है 5 से तो आप प्रिंट कर दो हेलो, तो आप प्रिंट कर दो हेलो और फिर यहां पर आप आई प्लस प्लस कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके का आपने कोड लिखा और इसके बाद में आपने यहां पर लिखा हुआ है
इसके बाद में भी आपने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है, अब इस कोड को मुझे कन्वर्ट करना है थ्री एड्रेस में, कैसे करेंगे? मतलब कि आपने वाइल लिखा है और कोई एक एक्सप्रेशन लिखा है, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो आपका स्टेटमेंट चलेगा और नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आपको ये काम करना है। तो ये आप थ्री एड्रेस कोड में कैसे करोगे? तो आप लिखोगे कि इफ, अब वही जो हमने साथ पढ़े ना, उन साथ में से ही किसी ना किसी चीज को यूज करना है। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर हमने कहीं पर भी वाइल, डू वाइल, फॉर कभी नहीं देखा, हमने सिर्फ इफ देखा है, इफ और गो टू। तो सिर्फ हम इफ और गो टू को इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर देंगे इफ और गो टू, ठीक है? तो कैसे करेंगे देखो, हमने यहां पे लिखा कि इफ एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, मतलब अगर आपका एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाता है, एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाता है तो गो टू हो जाओ एल पर, एल वन पर, मतलब जंप कर जाओ एल वन पर, और एल वन कहां पर पहुंचा देगा आपको? एंड में पहुंचा देगा, ठीक है? और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब अगर आपका एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तो एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो एस पर चले जाओ, और एस पर जाने के बाद में लास्ट में आप लिख दो गो टू एल, और गो टू एल कहां पर पहुंचा देगा? एल आपको वापस से इफ कंडीशन पर पहुंचा देगा। आ गई बात समझ में? मतलब कि आप इफ को एक लेबल के अंदर लगा दो, तो इफ को आपने एक लेबल के अंदर लगा दिया और आखिरी जो एंड है उसको एक लेबल के लिए लगा दिया। अब आपका इफ की जो स्टार्टिंग है वो भी एक लेबल पर है और इफ का जो एंड है उस पर भी एक लेबल है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एंड पे पहुंचाना है या दोबारा से कंडीशन चेक करनी है। तो अगर आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो आप उसको डायरेक्टली एंड पे पहुंचा दोगे, और अगर फॉल्स नहीं होता है तो आपका स्टेटमेंट चलेगा और फिर गो टू एल क्या करेगा? अनकंडीशनली जंप करवा देगा स्टार्टिंग पे, और फिर से आपका ये कोड चलता रहेगा। ये कोड जब तक चलता रहेगा जब तक का आपका एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता, और जैसे ही आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा आप जंप कर जाओगे एंड पे। इस तरीके से आपने क्या किया, जो काम आपका वाइल लूप करता वही काम आपने थ्री एड्रेस कोड में लिख दिया। तो जैसे कि मान लो कि अगर मुझे इसके लिए थ्री एड्रेस कोड लिखना होता तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता एल, ठीक है? और प्रिंट करने के लिए जो भी कमांड होगी वो हम लिख देंगे यहां पर। जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहां पर मैंने प्रिंट नहीं, पहले हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है? तो मैंने एक लेबल लगा दिया और यहां पर मैंने लिख दिया इफ अगर आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू अगर लेस है 5 से, ठीक, अगर आई की वैल्यू लेस है 5 से, और इसको मैं बोलता हूं कि ये इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है? आई की वैल्यू 5 है और ये इक्वल टू अगर 0 हो जाए, तो मैं बोल रहा हूं गो टू, मैं बोल रहा हूं गो टू, और यहां पर मैंने लिख दिया L1। ये आप कुछ भी लिख सकते हो, L और L1 कुछ भी आप लिख सकते हो, ये आप नाम जो है, लेबल जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और यहां पर मैंने लिख दिया printf, और printf में मैंने यहां पर प्रिंट करवा दिया हेलो, ठीक है? और फिर यहां पर मैंने i++ तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि कभी ना कभी तो मुझे वैल्यू को टर्मिनेट करना है, और यहां पर मैंने लिख दिया L1, और यहां पर मैं अपना कोई भी जो एंड है कुछ भी हो सकता है, मैंने कुछ भी ना लिखा, ठीक है? तो अब क्या होगा, सबसे पहले i की वैल्यू चेक होगी, अगर i की वैल्यू लेस है 5 से तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ट्रू मतलब कि 1 हो गया, क्या 1 इक्वल टू 0 ट्रू हुआ? नहीं हुआ, इसका मतलब कि गो टू L1 नहीं होगा, तो हमारा हेलो प्रिंट होगा और i++ होगा, और i++ के बाद में यहां पर लिख दूंगा गो टू L, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा गो टू L, तो यहां पर i++ करने के बाद वो कहां पर चले जाएगा? फिर से L पर चले जाएगा, और फिर i की वैल्यू मान लो 2 हो चुकी है, तो 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये आ गया 1, 1 इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, इसका मतलब फिर से गो टू L1 नहीं चलेगा, फिर से हेलो प्रिंट होगा और i++ होगा, और ऐसा चलता जाएगा। एक टाइम आएगा जब i की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई इसका मतलब ये आ गया 0, और 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा गो टू L1 चले जाएगा, तो L1 मतलब हमारा कंट्रोल आखिरी में आ गया। तो सेम जो हमारा काम हो रहा था वाइल लूप के, वो बिना वाइल लूप के भी हो जाएगा, और ये कहलाएगा थ्री एड्रेस कोड। ये थोड़ा मैंने हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया है इसमें ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। थ्री एड्रेस कोड में हम यहाँ पर प्रिंटएफ वगैरह यूज ना करके उस थ्री एड्रेस कोड की लैंग्वेज में जो प्रिंट करने की कमांड होगी हम उसको लिखेंगे। क्लियर हो गया? और ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो ये कि हम वाइल लूप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे कि मान लो कि मुझे फॉर लूप का कन्वर्ट करना है, तो फॉर लूप में आपको पता है क्या होता है कि आपका एक्सप्रेशन वन चलता है, फिर एक्सप्रेशन टू चेक होता है, अगर एक्सप्रेशन टू ट्रू हो जाता है तो आपका ये स्टेटमेंट चलता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से आपका एक्सप्रेशन चेक होता है। जब तक आपका ये एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक आपका स्टेटमेंट चलेगा, और जैसे ही आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा आपका कंडीशन बाहर आ जाएगी। अब ये जो फॉर लूप में होने वाला काम है, अगर आपको इसको थ्री एड्रेस कोड में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लिख दोगे एक्सप्रेशन वन, मतलब कि जो भी आपका इनिशियलाइजेशन है, आई इक्वल टू जीरो से असाइन करना है या जो भी, ठीक है? तो मान लो कि आई इक्वल टू जीरो से असाइन करना है, तो आपका ये हो गया एक्सप्रेशन वन। उसके बाद आपने लेबल लगा दिया एल। अब आप कंडीशन चेक करोगे कि क्या इफ ई टू, मतलब कि आपकी ये जो कंडीशन है अगर ये ट्रू होती है तो आप एल वन पे चले जाओ, और अगर ये फॉल्स होती है तो एल टू पे चले जाओ। सिंपल, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल वन पे चले जाओ, और अगर फॉल्स हो जाता है तो एल टू पे चले जाओ। एल वन पे आप अपना स्टेटमेंट लिख दोगे और एल टू पे एंड कर दोगे, और जैसे ही हम स्टेटमेंट पे जाते हैं तो हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। तो जहां पर एल वन लिखोगे और स्टेटमेंट लिखोगे उसके नीचे आप अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिख दोगे, और फिर लिख दोगे गो टू एल। गो टू एल मतलब दोबारा से कहां चले जाओ? इफ कंडीशन पर। तो ये आपका फॉर लूप जैसा काम करेगा कि पहले आपका एक्सप्रेशन वन चला, मतलब इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर आपकी कंडीशन चली कि अगर एक्सप्रेशन अगर आपका ट्रू है तो आप एल वन पे चले जाओ, और नहीं तो एल टू पे चले जाओ। एल टू पे जाना मतलब कि एंड, और एल वन पे जाना मतलब कि आपने स्टेटमेंट को चलाया, एक्सप्रेशन को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया, आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, और फिर गो टू एल मतलब दोबारा से आप इफ कंडीशन पर चले जाओ। इस तरीके से आपने अपने फॉर लूप को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? थ्री एड्रेस कोड। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे स्विच केस को कन्वर्ट करना है थ्री एड्रेस कोड में, तो स्विच केस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्विच केस कैसे काम करता है कि हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा होता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू वन टू थ्री कुछ भी आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा केस चलता है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू वन आई तो हमारा केस वन चलेगा, स्टेटमेंट वन चलेगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर हमारा टू आता है तो टू वाला चलेगा, स्टेटमेंट टू चलेगा और ब्रेक हो जाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो डिफॉल्ट चलता है और वो स्टेटमेंट थ्री हो सकता है। तो अगर मुझे ये स्विच केस का जो कोड है, अगर मुझे इसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम असाइन कर देंगे किसमें? टी में, ठीक है? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको हमने, जो हमारी जो हमें वैल्यू टेस्ट करनी है उसको हमने ई बना दिया, और हमने लिखा गो टू टेस्ट। क्या लिखा? गो टू टेस्ट। अब वो सीधे टेस्ट करने के लिए चला जाएगा, ठीक है? अब अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू वन है तो गो टू एल वन, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू टू है तो गो टू एल टू, और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू इनमें से कोई सी भी नहीं है तो इसका मतलब कि गो टू एल थ्री। तो ये आपका स्विच केस की तरह काम हो गया कि आपने क्या कहा कि एक्सप्रेशन की वैल्यू लो और उसको कहाँ पे पहुंचा दो? टेस्ट पे पहुंचा दो, टेस्ट नाम का लेबल जहां है वहां पर पहुंचा दो। तो आपका टेस्ट नाम का लेबल यहाँ है, तो आपका कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू वन है तो एल वन वाले लेबल पे चले जाओ, एल वन वाला लेबल मतलब कि स्टेटमेंट वन, और स्टेटमेंट वन चलने के बाद क्या होना चाहिए था? स्टेटमेंट वन चलने के बाद ब्रेक होना चाहिए था, तो स्टेटमेंट वन के बाद आपने लगा दिया अनकंडीशनल गो टू, गो टू लास्ट। तो लास्ट वाला आपको कहां पर पहुंचा देगा? सीधे लास्ट में पहुंचा देगा, एंड पे। बिल्कुल, केस वन चल गया और एंड हो गया, ठीक है? अगर मान लो कि हमारा जो टेस्ट करने पर हम यहां पर आए और हमारा एक्सप्रेशन टू जो है वो टू है, इसका मतलब गो टू कहां पर है? एल टू पर। तो हम एल टू पर चले जाएंगे, हमारा स्टेटमेंट टू चलेगा, और स्टेटमेंट टू चलने के बाद हमारा ब्रेक होना चाहिए था, तो ये गो टू हो जाएगा लास्ट पे। और अगर मान लो कि मेरा कोई सा भी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं गो टू से गया टेस्ट पर, अब मेरा एक्सप्रेशन वन जो है वो वन भी नहीं है, टू भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं कहाँ चला जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा एल थ्री पर, तो ये डिफॉल्ट हो गया। तो डिफॉल्ट मतलब हमारा एल थ्री पर गए, एस थ्री चला और फिर उसने ब्रेक कर दिया। तो ये यहां पर आप देखो कि कहीं पर भी मैंने स्विच केस का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मेरा जो काम है वो बिल्कुल स्विच केस की तरह हो रहा है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हमारा हो उसको हम थ्री एड्रेस कोड में
कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो थ्री एड्रेस कोड है ये सभी मशीन समझ सकती हैं। तो हम अब थ्री एड्रेस कोड कन्वर्ट कर लिया, मतलब कि हमने इंटरमीडिएट कोड हमने जनरेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? नेक्स्ट स्टेप रहेगी कि हम इस कोड को ऑप्टिमाइज कर देंगे, बस ये हमारी लास्ट स्टेप रहेगी। और उसके बाद हमारा जो कोड ऑप्टिमाइज जब हो जाएगा तो उसके बाद अलग अलग मशीन जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको अपने मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेगी, उसके हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइलर का काम है कोड को ऑप्टिमाइज करके दे देना, उसके बाद मशीन अपने अकॉर्डिंग उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट कर लेगी। तो हमारे कोर्स का जो आखिरी पॉइंट है वो है कोड ऑप्टिमाइज करना। तो जैसे ही हमने कोड ऑप्टिमाइज करना सीख जाएंगे हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और हमें एक ओवरव्यू मिल चुका है कि किस तरीके से कंपाइलर डिजाइन होता है, किस तरीके से कंपाइलर बनता है, किन फेजेस से गुजरता है और उन फेजेस को बनाने के लिए क्या क्या लॉजिक लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए तो फिर आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।